गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए मैं एक क्लास 10th में चैप्टर आपका 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका एक 5 है और लैंग्वेज वाला ये सवाल है। तो ये लैंग्वेज वाला सवाल है, 4 नंबर का आपका आता है। तो 4 नंबर का जब आता है CBSE बोर्ड का सवाल है, तो इसमें आपको पहले एक ट्राइंगल बनाना है। और ट्राइंगल कैसा है? राइट ट्राइंगल है। इसमें कुछ बातें आपको गिवन है और कुछ बातें आपको फाइंड आउट करनी है। तो गिवन में आपके पास यहाँ हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस दिया गया 30 सेंटीमीटर और इसका बेस आपको गिवन नहीं है। तो बेस हमने मान लिया, लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल कितना मान लिया, एक्स मान लिया। एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने यहाँ क्या मान लिया, एक्स माइनस सेवन, क्योंकि उसमें कहा गया है लेस देन सेवन, किससे, बेस से। तो ये तीनों बातें हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया। सॉल्विंग में क्या करना है, वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाला हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो एच की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। पी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर है। प्लस बी की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। एक्स माइनस सेवन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 का 7 में मल्टीप्लाई किया माइनस के 14x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया माइनस के 14x, ये लिख दिया मैंने। 169 को इधर लेके आ गए तो माइनस का 169 हो गया। 169 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास बचा 120 बचा। ये ही हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, राइट ट्राइंगल का बेस और निकालना और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने यहाँ देखा कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो यहाँ 120 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 14 आ जाए। तो 24 में से 10 घटाओगे तो हमारे पास 14 बचेगा, माइनस चिन्ह आप नहीं लगा दीजिए। तो x का और माइनस का दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस के 24x हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 10x हो गया, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है और एक x कॉमन मिल रहा है, दोनों कॉमन ले लिए। तो x माइनस का 12 बचा, इसमें से हमने देखा क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का 10 कॉमन मिल रहा है। तो x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, यदि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझ लो हमारा सवाल सही है। तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू निकालना है तो दोनों को इक्वल 0 कर लो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 को इधर लेके आ गए तो प्लस का 12 हो गया। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस 10, तो x को अकेला करेंगे तो 2 यहां से हटेगा तो इधर चला जाएगा, 2 का डिवाइड किया 10 में माइनस का 5 हो गया। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि लंबाई जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हमारी वैल्यू आ गई आपकी 12। तो राइट ट्राइंगल में बेस हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12 में से 7 घटा दो 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। 4 नंबर का 100% सवाल आता है। थैंक यू।